नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन छागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों, आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम इसी मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं। हमारे एक पेड यूजर थे, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और उनका जो प्लॉट का साइज था 20x42 का अप्रॉक्स, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को मैंने क्रिएट किया है। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनको एक कार पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए था दोस्तों, उनको एक गेस्ट रूम चाहिए था, दो बेडरूम, लेट बाथ, किचन, स्टेयर्स वगैरह चाहिए था। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए इस मॉडल को डिजाइन किया है। तो इसी मॉडल को आज हम डिफाइन करने वाले हैं। अगर आपका भी 20x42 का अप्रॉक्स एरिया है और आपकी यही रिक्वायरमेंट है, तो आप इस मॉडल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com है, वहाँ पर आप विजिट करिएगा, आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी इस मॉडल से रिलेटेड। और एक अनाउंसमेंट दोस्तों मैं और करना चाहूँगा, अगर आप घर के नक्शा अपना घर बनवाना जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसका एस्टीमेटेड कॉस्ट फाइंड आउट करना, अगर आपका 20x50 का प्लॉट है, आप चाहते हैं कितना उसमें पैसा लगेगा बनवाने में और कितना मटेरियल लगेगा, मतलब कि आपका स्टील सरिया कितना लगेगा, आपका मोरम या जो बालू होता है वो कितना लगेगा, गिट्टी सीमेंट वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करके देगा हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दोस्तों प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन का नाम है और वहाँ पर जाकर सारा कॉस्ट कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मटेरियल आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, इसके बाद घर बनवाइएगा, ईंट वगैरह सब कुछ फाइंड आउट करेगा जो भी आप चाहते हैं। तो चलो आज के मॉडल को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था, ये पूरा मॉडल होने वाला है 20x42 जैसा कि आपने देखा। और जो हमारे दोस्तों पेड यूजर थे, उनको केवल ग्राउंड फ्लोर की ही रिक्वायरमेंट थी, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस प्लान को क्रिएट किया है। और उन्हें बहुत ही सिंपल सा प्लान चाहिए था, लो बजट, जिसमें ज्यादा पैसा वगैरह ना लगे, और उन्हें कार पार्किंग चाहिए थी। तो उसी के लिए हमने गेट का जो मैंने साइज दिया 8x10 फिट का अप्रॉक्स दिया, जिसमें आपका ऊपर का एरिया भी कवर्ड है। और ये एक आपको विंडो देखने को मिलेगा और ऊपर आपका दोस्तों जो टावर जिसे गुमटी बोलते हैं वो बना है, क्योंकि इनका स्टेयर है स्टार्टिंग में ही मैंने बना कर दिया है। तो अभी मैं जब इसका ग्राउंड फ्लोर दिखाऊंगा तब आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो आपको ऐसा लुक दिखने को मिलेगा। ये फ्रंट एलिवेशन है, इसमें मेन डोर आपका ये है और इधर से आपकी स्लोप है जिससे आप गाड़ी अपनी ऊपर ले जाएंगे, और बीच में स्टेयर्स को दिया है जैसे चढ़ने में कोई प्रॉब्लम वगैरह ना मिले। और ये इधर आपका एक विंडो है जिसमें कि मैंने व्हाइट कलर का फ्रेम और ब्लैक कलर का विंडो में कॉम्बिनेशन दिया है। जब आप इसका टॉप व्यू देखते हैं, ऊपर से जब आप चीजें देखते हैं, तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आपको ये पूरा दोस्तों कार पार्किंग के लिए स्पेस मिलता है। ये स्पेस लगभग दोस्तों 18 फीट का है, उनको रिक्वायर्ड था लगभग 13 फीट का, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये स्पेस जो कि कार पार्किंग के लिए है फुलफिल बैठता है। इसके बाद जैसे आप अंदर जाते हो तो आपको सबसे पहले स्टेयर देखने को मिलती है जो कि आपके यू आकार में बनी है, यू शेप में आप देख सकते हैं। इधर से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके बाद टर्न होंगे और फिर से आप इसी तरफ को मुड़ जाते हैं। उसी के नीचे दोस्तों एक छोटा सा ने लेट चाहिए था, टॉयलेट चाहिए था, तो वो भी मैंने यहाँ पर दिया है। तो आप जब भी स्टेयर्स बनाएं और उसके नीचे अगर लेट बाथ बनाना चाहते हैं तो ध्यान ये रखना है, टर्न आपको 6 फीट की ऊंचाई के बाद ही देना है, क्योंकि 6 फीट एटलीस्ट है उसके नीचे जगह चाहिए, तभी आप लेट बाथ बना पाएंगे। इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये आपके दोस्तों एक गेस्ट रूम है, और इस गेस्ट रूम में मैंने इधर से एक विंडो कार पार्किंग की तरफ से और एक डोर दोनों दिए हैं, तो आप गेस्ट रूम में अंदर पहुंचते हैं। इसके बाद एक डोर और दिया है जो आपको आंगन में ले जाएगा। इसका मेन डोर ये है, यहाँ से आप एंट्री करते हैं आगे, और इधर एक साइड में विंडो है जो कि किचन एरिया है, तो किचन को वेंटिलेशन देने के लिए मैंने एक विंडो का इस्तेमाल किया है। इधर आपका ये डोर है किचन में। इसके बाद आगे जाते हैं तो ये आपका डाइनिंग हॉल, आप इसे बोले आंगन बोले, तो ये पूरा एरिया एक हॉल के तरीके से वर्क करेगा। और इसके बाद ये आपका लेट और बाथ कंबाइंड मैंने यहाँ पर दिया। और सबसे पीछे आपको दो बेडरूम देखने को मिलते हैं, दोनों बेडरूम के लिए अलग अलग डोर, और आपका एक में विंडो दिया जा सकता है क्योंकि एक तरफ आपका लेट बाथ बना तो वहाँ विंडो पॉसिबल नहीं है। और अगर आपके आसपास जगह नहीं है, केवल 20x42 फिक्स्ड जगह है, तो आपको बीच में जाल रखवाना होगा प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। अगर आपके पास आसपास जगह है तो आप जहां पर भी विंडो बेडरूम्स है या रूम है वहां आप साइड में विंडो जरूर रखवाइएगा, जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन आपके घर का होता रहे। तो यहाँ पर दो बेडरूम, एक गेस्ट रूम, लेट बाथ, किचन, डाइनिंग हॉल, कार पार्किंग, स्टेयर्स और एक छोटा सा लेट बाथ जो कि आपका स्टेयर्स के नीचे है, बनकर रेडी होता है।
यही हमारे कस्टमर थे जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए 20x42 में हाउस मैंने क्रिएट किया है। अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो ये जो चीज आपको दोस्तों दिख रही है ये पीओपी का वर्क है, ये आपके फर्स्ट फ्लोर के लिए है बट आपको ग्राउंड फ्लोर पर दिख रहा होगा, तो आप इसे इग्नोर करें और ये पूरा ओवरऑल मॉडल ग्राउंड फ्लोर का बनकर रेडी होता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर स्टेयर्स के माध्यम से जाएंगे तो 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको ग्रिल जो कि आपको कुछ ईंटों का और कुछ स्टील का ग्रिल का कॉम्बिनेशन मैंने दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और ये दोस्तों टावर जो कि गुमटी स्टेयर्स को ढकने के लिए बरसात में पानी वगैरह ना जाए, और ये डोर जिससे आप छत पर आएंगे। और जैसा कि नीचे एक आपका विंडो बना था, सेम टू सेम टावर फॉर विंडो मैंने दिया है। अब इस विंडो को बनाते समय भी आपको ये ध्यान रखना होगा, जब आपकी स्टेयर्स की या तो हाइट कम हो उधर से आपको लगाना होगा या ज्यादा हो वहां पर लगाना होगा, तो इसको बनवाते समय आपको जो भी ठेकेदार या कॉन्ट्रेक्टर आपका होगा उसको आप बताइएगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये लास्ट में पूरा छत बन जाता है, तो ओवरऑल 20x42 में ये मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मॉडल पसंद आया होगा। अगर आपको आया तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं पेड सर्विस भी चलाता हूं, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर जाकर आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। उस पर कॉल नहीं लगेगा, वो केवल व्हाट्सअप नंबर, इसका विशेष ध्यान दें। और इसके बाद आप हमसे चैट करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। वहां पर 50% पेमेंट दोस्तों आपको एडवांस करना होता है, 50 बाद में, बशर्ते ध्यान ये रखना है किसी भी कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट बिल्कुल ना करें, वहां पर आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, ना उन्हें पैसे भेजें। पैसे आप तभी भेजें जब आपकी हमसे बात हो जाए, इसके बाद ही आप 50% पेमेंट करिएगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, तभी आपको पेमेंट देना है। तो ये पूरा जो मॉडल था, वीडियो था, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं देता रहता हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।